वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं आपको पता होता ना, हमने पहले किया था। स्फीयर है ये, ठीक है, गोला है ये, पूरा गोला है ये, ठीक है। तो गोले का सरफेस एरिया निकालने के 4 पाई r स्क्वायर, ये सब तो याद रखने पड़ेंगे ना आपको, हर चीज के फॉर्मूले। तो 4 पाई r स्क्वायर कितना है, 154, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 154, 4 पाई r स्क्वायर। ओके, यानी हम इसको लिख देंगे 4 गुणा 22/7 गुणा r स्क्वायर बराबर 154। तो r स्क्वायर बराबर 154, ये इधर आ जाएगा और उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, और 22 चौका 28, 22 4 जा 88 हो गया। ओके, 154 गुणा 7 बटा 88, 154 को 7 से गुणा किया तो कितना आया, 1078 बटा 88, ठीक है। अब देखिए आप इसको 22 से काटिए तो ये कितना हो जाएगा, 4। इसको 22 से काटा तो ये हो जाएगा 49। ये r स्क्वायर है तो r का क्या होगा, इसको स्क्वायर हटा दो तो इसका भी स्क्वायर हटा दो, यानी 7। 49 का रूट वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2, r की वैल्यू आ गई 49/7 बटा 2। एक तो हमारा ये हो गया r बराबर 4/7 बटा 2 सेंटीमीटर। नाउ आपको क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। इस सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, आयतन का फॉर्मूला वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब वॉल्यूम निकाल लीजिए, यानी कि ये आपका हो गया 4/3 गुणा 22/7 r क्यूब, यानी 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। ओके, काटापेटी कर दीजिए। देखिए 7 को 7 से उड़ा दीजिए, 2 को ये दोनों से उड़ा दीजिए, और 2 को ये 11 से कर दीजिए। ऊपर क्या रह गया, ऊपर आपका रह गया 11 7 77 गुणा 7। नीचे क्या रह गया, 3। 77 को 7 से गुणा किया तो कितना आया, 539। नीचे क्या आया, 3। इसके अंदर 3 का भाग दिया तो 1 बार गया, बचा 2, 23। तो 7 बार गया, बचा 2, 29। तो 9 टाइम गया, बच्चा फिर 2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। क्या, आयतन। दिस इज दी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसका आयतन है ये आपका आंसर आ गया। आपको यहाँ पर ये आंसर पूरा समझाया हुआ है। अगर आपको हमारे समझाने से समझ में नहीं आया है तो एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, आप इसको पूरे को पॉज करके पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। क्लियर? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।